मध्य प्रदेश के जानी मानी जल पर्यटन केंद्र हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव के सातवें संस्करण का आज आगाज हो चुका है। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने जल महोत्सव का शुभारंभ किया है और इसकी औपचारिक शुरुआत की है और इस दौरान मंत्री ठाकुर के साथ में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल, पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित बीजेपी के आला अधिकारी और नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पर्यटन विकास निगम के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने स्वागत भाषण दिया है और हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव के इस वर्ष होने वाली नवीन जल क्रीड़ा और गतिविधियों सभी को अवगत करवाया है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कन्या पूजन के बाद जल महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार पर्यटन के क्षेत्र में लगातार नवाचार करती जा रही है। वो ध्वज चढ़ाने आते संत सिंगा जी महाराज को और ये प्रतापी संत है। साथियों, आपको सब यही के हो, हर घटना से आप वाकिफ हो कि किसका प्लेन नहीं उन्हें दिया गया यदि संत की समाधि को प्रणाम नहीं हुआ तो। और जब उन्होंने देह त्यागी तब कोई इंदिरा सागर बांध की कल्पना नहीं थी, पर संत सिंगा जी ने कहा था कि मेरी समाधि को माँ नर्मदा आकर अपनी आगोश में लेगी। और आप सब जानते हो सैकड़ों साल बाद संत सिंगा जी की समाधि आज माँ नर्मदा की गोद के बीच हो रही है। इतनी सिद्धियां हैं उनकी। मैंने सैकड़ों लोगों से ये उपाय करवाए और उसकी प्रत्यक्ष दर्शी गवाह हूँ। अभी जब पिछली बार गई थी तो एक रजिस्टर वहां हमने रखवाया कि जो मानता के झंडे लेकर आते हैं वो अपनी कहानी भी बताएंगे। जैसा कि हनुवंतिया जल महोत्सव जो है वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है, तो वाटर स्पोर्ट्स तो होंगे ही, उसके अतिरिक्त कुछ नई गतिविधियां इस वर्ष सैलानियों के लिए इंट्रोड्यूस की जा रही है। वो शुरू किया जा रहा है जो केरल की पद्धति होती है आयुर्वेदिक, उस पे बेस्ड होगी और उससे मतलब वेलनेस स्पा सेंटर जो है यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उनका तो अथाह प्रेम माँ नर्मदा के प्रति है क्योंकि उनका जन्म ही जेत गांव में जहाँ वहाँ नर्मदा जी का तट है। और नर्मदा आरती वातावरण के शुद्धि को, सात्विकता को, संस्कारों को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। तो और इसी बहाने जो हमारी सत्य सनातन परंपरा है ऐसे पांच पंडितों को भी रोजगार मिलेगा।